हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो लेज़र फिजिक्स है, लेज़र फिजिक्स कम्प्लीटली जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर अप हो जाएगा। इन द सेंस कि जब भी कंडीशंस की बात करते हैं लेज़र के लिए, जो कंडीशंस होती हैं वो सारी कवर अप हो जाएंगी इस टॉपिक में। टॉपिक बड़ा है आपका और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट को याद रखते हैं, सिर्फ इन 5 पॉइंट्स को, तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम बीच में जो है वो स्टेप को भूल गए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे आप टॉपिक को कंप्लीट आपकी बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन या फिर लेज़र के लिए जो कंडीशन होती है, ये पता है आपको कि कंडीशन होती है, बट लास्ट में क्या किया गया है, उसने उसी कंडीशन को वो एक स्पेशल नेमिंग दे रहा है कि थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है, कि अगर आपको लेज़र का जो फिनोमिना है वो अकर करना है तो उसके लिए स्पेशल नाम क्या है, सचौलोल या फिर टाउनीज कंडीशंस है। इसको हम इन शॉर्ट टाउनीज कंडीशन बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये कंडीशन होती क्या है, एक तरीके से अब तक जो हमने पढ़ा है ना लेज़र के, सबसे पहले आप इसे जो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगा वीडियोस का, पहले वो देखें आप कि लेज़र के लिए कौन कौन से फिनोमिना अकर होने चाहिए। ये जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपको क्या बताता है, आपको ये क्वांटिटेटिव कंडीशन बताएगा कि जो ऑसिलेशंस हैं इन लेज़र कैविटी, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यानी इन शॉर्ट आप लिखेंगे इस तरीके से कि कंडीशंस या फिर क्वांटिटेटिव कंडीशन फॉर द स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन इन लेजर कैविटी, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड कंडीशन। फर्स्ट जो हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे कि लेज़र क्या होती है, उसके लिए स्पॉन्टेनियस जो एमिशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आप लिखेंगे जो भी लेज़र है उसके लिए आपके पॉपुलेशन इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए आपको कंडीशंस जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। जैसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में पढ़ते हैं, वो खुद से हो जाता है फिनोमिना आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, बट यहाँ पर क्या करना है, आपको कंडीशंस को क्रिएट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो कंडीशन है रेजोनेंस की कंडीशन होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ये रेजोनेंस क्या होता है, वैसे तो फिजिक्स के अंदर रेजोनेंस का मतलब ये होता है, अगर फ्रिक्वेंसी की टर्म में बात करें, कि एक जो ये लगा लो एलिमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, उसकी फ्रिक्वेंसी किसी और के साथ मैच हो जाए तो उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन। यानी कि मैच जो वर्ड है ना वो आपका रेजोनेंस के लिए है, केमिस्ट्री से रिलेट ना करें, जिसमें रेजोनेंस का मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड लाइक दैट होता है। फिजिक्स में रेजोनेंस का मतलब एक तरीके से मैचिंग से होता है, या फिर कंडीशंस है कि जो रेजोनेंस की कंडीशन है लेज़र में, वो कंडीशन क्या होती है कि जो क्यू लैम्डा है वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द लेंथ। अब आप बोलेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने जो लिखी हैं उसका मतलब बताइए हमें, तो मतलब बताते हैं। पहले यहाँ पर क्यू का मतलब आपका जस्ट इंटीजर से है भाई, क्यू का मतलब किससे है, इंटीजर से है। लैम्डा का मतलब किससे है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से है, लाइट इन द सेंस की लेजर लाइट से समझेंगे हम यहाँ पर इन शॉर्ट। लैम्डा का मतलब जिस भी जो भी आपकी लाइट है जिस वेवलेंथ से ट्रेवल कर रही है वो आपकी लैम्डा है। इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ का मतलब ये है, आपको क्या करना होता है लेज़र की एक्टिविटी के लिए, आपको रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक कैविटी बनानी पड़ती है, जिसके अंदर ये जो प्लेट है फर्स्ट प्लेट, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिंग इन द सेंस कि रिफ्लेक्ट होके अगर रे इसके पास आएगी या फिर लाइट इसके पास आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। जो फर्स्ट है ना कैविटी का, जो ये कंप्लीट सिस्टम है जिसकी जो लेंथ है, आप ये बोलेंगे कि ये कितनी है, एल है। अब 2L क्यों लिखा गया है, 2L इसलिए लिखा गया है कि एक बार वेव जाएगी एक बार आएगी, तो उसके लिए हमारा किसका फैक्टर है, आपका 2 का फैक्टर है। अब जो वेव है आपकी जा रही है, आ रही है, जो R है ना वो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन। 100% का मतलब ये है कि अगर मान लो ये प्लेट है आपकी, वेव इसके पास आ रही है ना, तो इसका मतलब वो 100% उसी फेज में वापस जाएगी ही जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा इन द सेंस। तो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन।
100% रिफ्लेक्शन अकर होगा। सेकंड प्लेट में क्या है, जो भी आपकी आर है वो 90% है। 90% का मतलब ये है कि मान लो जितनी भी वेव आपके पास आ रही हैं उनमें से कुछ ही वेव रिफ्लेक्ट होंगी, बाकी की नहीं होंगी, या फिर बाकी को वो क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। वैसे भी हमारे पास 3-4 फिनोमिना होते हैं जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मे बी रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन का यहाँ पर हमारे पास कोई रोल नहीं है, या फिर अब्सॉर्ब हो सकता है या फिर ट्रांसमिट हो सकता है, ये चार ही फिनोमिना हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेट है वो रिफ्लेक्टिंग है, जो सेकंड है वो क्या है आपकी, ये बोल सकते हैं कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए यहां पर क्या लिखा गया है 90%। तो ये बीच में एरोज मैंने बना रखी हैं, इनका मतलब है वेव की ऑसिलेशन से है, यानी कि ऑसिलेशन स्टार्ट करना है आपको लेजर के फिनोमिना को अकर करने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन शायद आपको क्लियर है कि कंडीशन जो है वो रेजोनेंस की ये होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी भी वेवलेंथ है उन इंटीजर का मतलब क्या है, वेवलेंथ आपकी कितनी भी हो सकते हैं, कितने भी ट्रेवलिंग पॉसिबल हैं। तो क्यू एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लेंथ, फर्स्ट कंडीशन है। एल का मतलब लेंथ ऑफ द कैविटी से है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहां पर इसने एन से मल्टीप्लाई किया है कि हो सकता है कि यहां पर और भी फिनोमिना है, कितने होंगे वो फिनोमिना वो नहीं पता, तो इसलिए एन भी क्या है आपके पास एक इंटीजर है। अगर हम ये जो लैम्डा है इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना चाहें, अब ये सिर्फ किसकी टर्म में लिखी हुई है, लैम्डा की टर्म में, इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सी बाय म्यू। सबको पता है कि जो लैम्डा है वो किसके इक्वल होता है, सी बाय म्यू के इक्वल होता है। डन है इतना, बाकी कंडीशन एज सच है। अगर मैं यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से डिवाइड कर दूं, देखो अगर आप बात कर रहे हैं स्टेप्स को याद करने की, तो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है, सबसे पहले आपको वर्ड या पॉइंट क्या याद रखना है, कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिखने के बाद 2 पाई से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई से आपको डिवाइड करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या है, जो ये वाला फैक्टर है वो क्या होता है आपका, ओमेगा होता है। देखो म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, बट ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी से होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 2 पाई म्यू के। तो यहां से हमने क्या कर लिया, म्यू को निकाल लिया। डन है इतना, इस म्यू को निकाल के अभी फिलहाल हम रख लेते हैं, जब इसकी जरूरत होगी तो यूज ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब देखो स्टेप हमें कैसे याद रहेंगे, फर्स्ट याद हो गया हमें कि ओसिलेशन अकर कराना है, दैट मीन्स की कंडीशन होनी चाहिए रेजोनेंस की। अब सेकेंड स्टेप हम कहां से याद रखेंगे, 90% जो 10% है वो अब्सॉर्ब होगी रेडिएशंस, तो अब्सॉर्प्शन का फिनोमिना। अब जब अब्सॉर्प्शन होता है ना, इन द सेंस कि जैसे जैसे ही रे आ रही है, ठीक है, कुछ को क्या कर रही है, वो वापस भेज रही है, कुछ को क्या कर रही है, वो अब्सॉर्ब कर रही है, एटेन्यूएट कर रही है। तो एटेन्यूएशन की कंडीशन क्या कहती है कि कुछ ना कुछ डिक्रीज होके जाएगा। तो इसका मतलब ये है, सेकंड वर्ड हमें क्या याद रखना है, या सेकंड स्टेप या पॉइंट, आपको जो भी नाम देना है, वो कंडीशन आपको याद रखनी है, वो है आपकी एटेन्यूएशन, या फिर आप उसको एटेन्यूएशन या एटेन्यूएटेड वर्ड बोल सकते हैं। एटेन्यूएशन एक्चुअल में क्या होता है कि जेड का मतलब है भाई कि जो भी आप इस कैविटी के अंदर मटीरियल फील करेंगे वो आपने कहाँ तक फील किया, वो जेड से मतलब है। यानी कि जरूरी नहीं है आप कैविटी ही नाम है जब, तो यहाँ पर जितना भी आपने मटेरियल फिलअप किया है, जहाँ तक भी किया है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो जेड है। और लेजर जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ इसके अंदर मूव कर रही है उसका नाम किससे है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। तो जो इंटेंसिटी है ना, आई क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि इतनी इंटेंसिटी की लाइट आई थी और वापस कितनी इंटेंसिटी की गई है उस चीज को। तो आई ओमेगा जेड किसके इक्वल है, आई ओमेगा जीरो, इसका मतलब एम्पलीट्यूड से है, और एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है भाई वो। एक्सपोनेंशियली डिके करने का मतलब क्या है कि जितनी भी इंटेंसिटी प्लेट के पास जाएगी, जब वो वापस आएगी तो वो डिक्रीज होके आएगी। इतना तो क्लियर है कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी उसकी, लेकिन कितने फैक्टर से डिक्रीज होगी, आई ओमेगा जीरो इसका मतलब एम्पलीट्यूड से है, एक्सपोनेंट माइनस एल्फा ओमेगा जेड। सही है इतना। अब ये जो एल्फा ओमेगा है ये क्या है, बिकॉज फिनोमिना एटेन्यूएशन का है, तो ये आपका क्या होगा, एटेन्यूएशन
कोफिशियंट कि कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अल्फा ओमेगा जेड। क्लियर है इतना, तो इस स्टेप को भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे दिमाग में आपको रखना है कि R1, इसको ये है ना, इसको ये कंसिडर कर लो कि ये R1 है और ये R2 है। जब भी बात करेंगे रिफ्लेक्शन कंडीशन की, तो रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो R1 और R2 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद वो कितना फैक्टर होना चाहिए, एक्सपोनेंट माइनस टू गामा। और ये जो गामा है यहाँ पर, ये एक जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितनी है। गामा को अगर यहाँ से मैथमेटिकली बाय इंटीग्रेशन मेथड निकालोगे, कैसे निकालते हैं, अगर एक्सपोनेंट को हटाना है तो दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं, मैथमेटिकल टर्म है, दोनों तरफ जैसे ही लॉगरिथम लोगे तो हमारे पास जो गामा है वो कंडीशन आ जाएगी। गामा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, गामा इक्वल टू वन बाय टू एल एन आर वन आर टू, मल्टीप्लीकेशन में है आर वन आर टू, डन है, ओके। अब इसके बाद की कंडीशन क्या है, यहां पर आपको एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना है भाई। नेक्स्ट कंडीशन है बाय थ्रेशोल्ड कंडीशन। देखो अब ये कहेंगे आप कि फर्स्ट जो कंडीशन थी वो रेजोनेंस की कंडीशन थी, बट अब जो कंडीशन आई है वो थ्रेशोल्ड की कंडीशन आई है। थ्रेशोल्ड की कंडीशन ये कह रही है कि जो अल्फा ओमेगा एल इनटू में गामा, ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी जितना भी उसको वो एटेन्यूएट करेगी जितनी भी लेंथ में, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपकी, गामा। मतलब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब हमारे पास एक मेन फैक्टर आता है जो कि आपको अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है तो टर्म्स याद रखनी भी पड़ सकती हैं, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है कि हमें सारी चीजें समझ में आ जाएं, तो कुछ तो याद भी करनी पड़ेंगी। वैसे ये जो यहाँ पर टर्म लिखी है ये आई तो पिछले फैक्टर से है जो कि वो भी बहुत बड़ा था, अल्फा ओमेगा वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है अल्फा ओमेगा की, और वो है क्या, एक बार समझा रही हूँ, ये जो लिखा है वो A21 है, और इस A21 का मतलब क्या है, A, B जो आपके दो फैक्टर थे, कोफिशियंट्स थे, जिसको आपने नाम दिया था कि ये जो है वो आपके आइंस्टाइन कोफिशियंट है, पाई का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट से है, ये भी कांस्टेंट फैक्टर है, N का मतलब क्या है, इंटीजर से है, G1 और G2 का मतलब क्या है, डीजनरेसी से है, ठीक है, ओमेगा का मतलब फ्रिक्वेंसी से है, N और N2 का मतलब किससे है, जो भी आप लेवल्स बनाते हो ना, अब लेज़र पढ़ रहे हैं तो इतना तो अंडरस्टूड था कि लेज़र का हर फिनोमिना यूज़ होगा, तो लेज़र के लिए आपको शायद ध्यान होगा ये जो है वो आपका एन वन होता था, ये आपका एन टू होता था। एन वन का मतलब किससे था कि नंबर ऑफ एटम फर्स्ट जो स्टेट है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं हम जिसको, इसके अंदर कितने हैं, और जो सेकंड है N2 का मतलब किससे है, सेकंड के अंदर कितने हैं, तो N2 और N1 वो हैं आपके। यहाँ पर एक टर्म न्यू है आपके लिए जिसका नाम है G ओमेगा, दैट इज द लाइन फंक्शन। और ये लाइन फंक्शन क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं वेव की रिप्रेजेंटेशन की, तो वेव की रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम ग्राफिकली जो फ्रिक्वेंसी है और जो भी इंटेंसिटी है उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, लाइक दैट, जैसे ये आपका फ्रीक्वेंसी है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है इंटेंसिटी के बीच में और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। इतना तो पता है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। एक्सपोनेंशियली डिके का मतलब क्या होता है, एकदम से जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो जाए या एकदम से इंक्रीज हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंशियली डिके कहते हैं। तो ये जो है वो क्या है आपका, लाइन फंक्शन है, लाइन फंक्शन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं, अब तक जो कंडीशन यूज की हमने सिर्फ और सिर्फ लेजर के लिए चाहिए क्या होता है, मटेरियल्स चाहिए होता है। मटेरियल्स जो है वो आपका सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, वो आपको कंडीशन बताई है पहले। उसके अंदर जो आपकी कैविटीज हैं जिसके अंदर उस मटेरियल को रखा जाता है वहां पर उस कंडीशन को फॉलो कराना है। सेकेंड थिंग, उसके लिए जरूरी है पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम है हायर स्टेट में वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, कंडीशन है। अब हमने कौन कौन सी कंडीशन इन्वॉल्व कर ली, मटेरियल चूज कर लिया, एमिशन चूज कर लिया, रिफ्लेक्शन चूज कर लिया। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा
वो हमारा डिटरमाइन करना है, हमें एन टू माइनस एन वन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि ये जो एक मिनट अल्फा जो ओमेगा है ना, ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये इक्वल टू गामा बाय एल जो मैंने बोला है, ये होता क्या है, इसको बोलते हैं लैंडबर्ग फॉर्मूला। हो सकता है वन मार्क में आ जाए, या फिर ये जो टॉपिक है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो जब भी एग्जाम में जाएंगे आप, एक तो ये वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक, ये नहीं छोड़ने हैं हमें। ऑल्दो जो लेज़र का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपको जो फाइनल स्टेप याद रखना है वो रखना है कि इनको इनकी एनर्जी की टर्म में लिखना है। एनर्जी की टर्म का मतलब क्या है, दिमाग में रखना है, पढ़ क्या रहे हैं, लेज़र, लेज़र लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट जब है कैसे एमिट होती है, जब भी आपका एटम हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, फोटॉन्स एमिट करेगा। अब वो किस फ्रिक्वेंसी के फोटोन हैं वो ही हमें बताएंगे कि लाइट कैसी है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो लो है हमारा क्या कहता है कि जो एनर्जी है ना, जो भी फोटॉन्स आपके निकलेंगे उनकी एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये जो दोनों लेवल हैं इनकी एनर्जी के ऊपर, यानी कि E इक्वल टू एच ओमेगा, यही होता है। और n लगा दें तो n क्या है, इंटीजर से है, तो एनर्जी के लास्ट स्टेप में इसी को फॉलो कराना है, बस डन है इतना। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो लिखना तो हमें एन वन और एन टू की टर्म में है, बट होता किसकी टर्म में है, हमें जो पता है वो एनर्जी की टर्म में पता है, निकालना किसकी टर्म में है, एन टू माइनस एन वन की टर्म में। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये मैंने बीच में वन स्टेप जो है वो मिस करके लिखा है, इसके पहले आप ये लिखेंगे, कहाँ गया, ये रहा, ये क्या है आपकी एनर्जी है, एन एच कट ओमेगा इक्वल टू एन नॉट एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियली डिके करेगा ये भी ट्वाइस ऑफ एम गामा। अब ध्यान से देखें कि जब भी ओसिलेशन होगा कैविटी के अंदर उसमें टाइम भी स्पेंड होगा कुछ ना कुछ, तो जो टाइम है ना, टाइम किसके इक्वल होता है, एम टाऊ एल। टाऊ एल का मतलब है कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लेंथ को करने में कितना टाइम लगा है, और अगर मान लो प्रोसेस एक बार हुआ है, दो बार हुआ है या चार बार हुआ है, तो उसके लिए किसकी मल्टीप्लाई करा रखी है आपने, m की। तो m मल्टीप्लाई में टाउ l, इस कंप्लीट को क्या नाम देते हैं हम, टाइम। डन है इतना। अब टाइम आ गया आपके पास, इस टाइम की वैल्यू जो है वो इसके टर्म में आपने रिप्लेस कर रखी है, यानी कि जो n n h कट ओमेगा है वो किसके बराबर है, n नॉट h कट ओमेगा एक्सपोनेंट ट्वाइस m और tau, ठीक है। m की वैल्यू को अभी हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये कंडीशन आ गई आपकी लास्ट की। अब वो कह रहा है कि मान लो कितना टाइम लगा उसको कि t जो है वो tau के इक्वल है, तो उस टाइम पे जो tau है वो किसके इक्वल होगा, tau l डिवाइडेड बाय में 2 गामा। यानी कि कंडीशंस कहाँ से लिखी है उसने, जो टाइम अगर इक्वल होगा उसके, तो यहाँ से tau l हमें पता है किसके इक्वल होता है, एल बाय में सी के। गामा की वैल्यू एज सच है हमारे पास, टू से टू कैंसिल करोगे तो एल बाय में सी, और नीचे क्या है आपका गामा। अब इसके बाद क्या कर रखा है उसने, जो एन टू माइनस एन वन वाली कंडीशन है उसमें टाऊ की जगह पे किसे रिप्लेस कर दिया, एल डिवाइडेड बाय में सी टाऊ से रिप्लेस कर दो, और सिर्फ अब क्या देखनी है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या रहेगी, ओमेगा की डिपेंडेंसी है, टाउ की डिपेंडेंसी है, सी की पावर थ्री की डिपेंडेंसी है, और जो आइंस्टाइन कोफिशियंट आप पढ़ते हो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डिपेंडेंसी है। बाकी सारे फैक्टर क्या हैं, वही सेम है। अब यहाँ पर आते हैं, उसने क्या कर रखा है कि जो ये ए टू वन है उसको उसने रिप्लेस कर दिया टी स्पॉन्टेनियस से। ये टी स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो ए मतलब जो क्या कहते हैं उसको, आइंस्टाइन जो कोफिशियंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम स्पॉन्टेनियस के। तो इसको आप क्या लिखेंगे, टाइम स्पॉन्टेनियस के इन्वर्सली होते हैं, इसीलिए उसने इस फैक्टर से इसको रिप्लेस कर रखा है। बाकी डिपेंडेंसी समझ में आ गई, एन टू माइनस एन वन की कंडीशंस को देख लेंगे, डन है। और ये जो हमारा लास्ट का रिजल्ट आया है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कंडीशंस।
या फिर कंप्लीट नेमिंग अगर आप बोलो, थ्रेशहोल्ड कंडीशन टू स्टार्ट द ऑसिलेशन इन लेजर। डन है इतना, तो ये आपका टॉपिक था। अब एक बार रिवाइज करते हैं इसको। टॉपिक जितना आपको दिख रहा है उससे और ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको ये 5 मार्क या 5 मार्क नहीं 8 मार्क में अगर स्कोर करना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ मैंने बोली हैं वो आपको इसके अंदर लिखनी भी हैं। बट दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ 5 पॉइंट और टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। डन है। और वो 5 पॉइंट हैं क्या, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है आपका 5 नहीं, आपके पास 6 पॉइंट्स हो गए हैं। फर्स्ट आपको जस्ट ये तो लाइन आपको स्टार्टिंग में लिखनी है एज द डेफिनेशन। फर्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, सेकंड है एट्यूनेशन, थर्ड है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, फोर्थ है थ्रेशहोल्ड कंडीशन, इसके बाद लैडबर्ग फॉर्मूला, और उसके बाद उसको उसकी एनर्जी के टर्म में लिखना है। डन है। तो ये और लास्ट जो फाइनल स्टेप है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, अदरवाइज यहाँ पर डिपेंडेंसी देखते ही पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसमें मिस्टेक है। तो ये आपका टॉपिक था। लेज़र जो 1 है वो आपकी इस टॉपिक के साथ फिनिश होती है। तो एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।